चंडीगढ़ के कर्मचारियों ते केंद्रीय कानून लागू करन दा मुद्दा अज मंगलवार नूं लोक सभा विच वी गूंजिया। श्रोमणी अकाली दल दे संसद मैंबर हरसिमरत कौर बादल ने अज इह मुद्दा उठाया। उन्हां कहा कि 56 साल बाद भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड विचों पंजाब दे मैंबर नूं हटाया गया। उस तो बाद चंडीगढ़ दे सरकारी कर्मचारियों नूं केंद्रीय नियमों दे अधीन लियांदा गया। हरसिमरत ने कहा कि इह केंद्र सरकार वल्लों पंजाब दे हक्कां ते डाका है। उन्हां कहा कि अजिहे फैसले देश दे संघी ढांचे दे खिलाफ हन। हरसिमरत बादल ने कहा कि 1966 विच पंजाब पुनर्गठन एक्ट बनया सी अते उस समय चंडीगढ़ नूं पंजाब अते हरियाणा दी अस्थाई राजधानी बनाया गया सी। एक्ट दे मुताबिक चंडीगढ़ विच 60% कर्मचारी पंजाब अते 40% कर्मचारी हरियाणा दे लगाए जांदे सन। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि केंद्र सरकार हुण चंडीगढ़ ते पूरी तरह कब्जा करना चाहुंदी है। हमारे क्लेम को डाइल्यूट करने के लिए अब जैसे ये सेंट्रल सर्विस रूल अप्लाई कर दिया गया है, जहां बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह इस यूटी में भी चंडीगढ़ में भी दूसरे इम्प्लॉयज जा सकते हैं, हालांकि ये हमारे अकॉर्ड के एक्ट के बिल्कुल विरोध में है। इसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि चंडीगढ़ और हरियाणा के इम्प्लॉयज के बिना और कहीं से कोई आ सकता है, तो ये हमारे हक पे हमारी कैपिटल सिटी हमसे खोने का एक डाका है। इसी तरह बीबीएम भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में जहां 56 साल से हमारा मेंबर पावर मेंबर रहा है, जो हमारे पानी की राखी करते हैं, उनको डैम सेफ्टी बिल से सेंट्रल कंट्रोल में लाने के लिए हमारे मेंबर को 56 साल के बाद निकाल दिया गया है। सो सर, लगातार हमारा क्लेम जो हमारे कैपिटल, ये एक इमोशनल इशू है पंजाबियों के लिए। चंडीगढ़ हमारा है, हमें इसको वादा किया गया था, और अब हमारा पानी हो या हमारा कैपिटल, हमारे एम्प्लॉयज, डॉक्टर्स, टीचर्स को सबको वहां से निकाल के हमारी माँ बोली पे, इस सब पे हमारा क्लेम इसको घटाया जा रहा है और फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है और फेडरल सिस्टम का वायलेशन है। तो मैं आपको इम्प्लोर करती हूँ आपके राही इस सरकार को कि इस एक्ट को जो पार्लियामेंट से रेटिफाई हुआ था, लोंगोवाल राजीव अकॉर्ड जो पार्लियामेंट से रेटिफाई हुआ था, आप इसको पूरा इसका हक दिलवाइए और चंडीगढ़ को पंजाब को ट्रांसफर जल्द से जल्द कराइए। प्लीज सब्सक्राइब प्रवासी टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन।